ए असलम माई यूट्यूब वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल आई होपल फाइन आई एम्सो फाइन विद द प्रेयर्स ऑफ अल्लाह द्रेयर्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड आल ऑफ़ यू गाइज सो गाइज आई एम गोन शेयर my today's vlog अबाउट multiple टॉपिक्स और थिंग्स तो आज मुझे यूनिवर्सिटी आना था मुझे टीएमसी के सिलसिले में थोड़ा मतलब एप्लीकेशन वगैरह देनी थी तो उसी सिलसिले में मुझे जल्दी चाहिए थी तो मैं आई हूँ अपनी कैंपस में आई का जो कैम केंप, सब कैंपस है भावल में उधर ही तो मेरे साथ मेरी सिस्टर्स थी और यहाँ चल रहा है कुछ स्पोर्ट्स डे और इस तरह का तो काफ़ी ज़्यादा रश था मतलब यूजल डेज से ज़्यादा रश था अभी इस एरिया में इतना रश नहीं है लेकिन जो बैकग्राउंड था जहाँ स्पोर्ट्स वगैरह हो रही थी गैस मैंने आपको दिखाना था लेकिन लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी अभी हम लोग उस साइड पे गए नहीं और ये है जो फ़्लावर एग्जीबिशन कुछ दिन पहले हुई है यहाँ और कितने प्यारे फ्लावर्स हैं गाइस मतलब ख़ुशी भी थी कि, कि कुछ नया होने जा रहा है क्योंकि जो कोविड के यर्स में हम लोगों ने एडमिशन लिया था और हमारी एम भी तभी हुई थी यहाँ तो मतलब तब इतना कोई ये नहीं था और हम लोग बहुत डिस्टर्ब भी थे कोई प्रॉपर फंक्शन वगैरह नहीं हो रहा था तो अब ये प्रॉपर फंक्शन था हम लोगों में आ नहीं सकी ना इस इवेंट पे मुझे था कि एक यूजुअल सा ही तो होगा इतना कोई ख़ास नहीं है तो लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया है आई एडम गो नैट इवेंट रियली तो ऑलमोस्ट ये जो फ्लावर्स हैं ना ये मेन इंटरेस्ट के पास ही पड़े हुए थे ताकि कोई भी मतलब मेन इंटरेस्ट में, 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 में सेंटर हो तो अच्छा एक इम्प्रेशन पड़े अच्छा मतलब फील हो ये है हमारे जो कैंपस का जो मेन बिल्डिंग के इंट्रेंस और ये हमारा फ्रंट वाला गार्डन है और ये हमारा मतलब एक कॉर्नर corner... All of you guys knows very well that दैट university का जो time होता है वो बहुत ही golden time होता है हमें हमेशा ही याद रहता है और मतलब वो शरारतें वो friends circle और वो ही friends वो सारी entertainment वो सारा कुछ तो हम पूरी life miss करते हैं ये चीज़ें और university life हमें बहुत कुछ सिखाती भी है जो कि आगे जाके है हमारे मतलब काम आता है लाइफ में और ये जो बनी हुई है फ्रंट से ये न्यू ही बनी है देखिए कितना प्यारे फ्लावर्स इन्होंने सेट किए हैं ये हमारा व्यू है ओवरऑल व्यू जो कैंपस का है बिल्डिंग का और ये हम लोग एग्जिट पॉइंट है यहाँ से हम लोग मतलब बाहर जा रहे थे जस्ट मैंने यहाँ से अपने अपना काम करवाया ऑफिस में और बस ये आते आते कि थोड़ी सी जो वीडियो बनी है मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ तो मतलब यह हम लोग वापस आ रहे हैं हमारा काम हो गया था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो स्पोर्ट्स जो ग्राउंड था हमारा वो हमारी बिल्डिंग के बैक साइड पे था और काफ़ी गर्मी है वहाँ गाइस मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और बड़े जिगरे का काम है वहाँ स्पोर्ट्स खेलना और इतनी धूप हम लोगों ने कोई ख़ास उधर काम नहीं किया मतलब और बस अपना काम करवाया और आ गए हैं घर पे भी हम लोग बहुत थक चुके थे यूनिवर्सिटी से हमारे घर का जो रास्ता है वो वो टू वन आवर का है तो ये आते वक्त मैंने लिया था एक कोकोनट और मतलब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये मेरा फेवरेट वन एम तो इसको मुझे खोलने का को कोई प्रॉपर तरीका पता नहीं था कि इसको ओपन कैसे करते हैं इसकी जो हार्ड कवरिंग है तो फिर मैंने एक पेज का लिया और उसके जो तीन जो वो पॉइंट्स बने होते हैं ना उसके अंदर मैंने किया मुझे लगा ये थोड़ा सॉफ्ट होगा इसके अंदर चला जाएगा और मुझे पानी ना ऐसे ही मिल जाएगा मतलब स्प्रेड आउट नहीं होगा इसके अंदर तो दे मैंने कहा चले ट्राई करते हैं इसको क्योंकि पहले तो मम्मा ही मुझे ये खोल के देती हैं और इस दफा ममा गई हुई थी कि फोत वगैरह हो गई थी फैमिली में तो उधर ही रिलेटिव्स के घर तो मतलब हम लोग घर पे अकेले थे अब मुझे ये खोलना ना आए और फिर मैंने ये जगाड़ जुगाड़ लगा के इसको ओपन किया है अगर किसी को इसको बेहतर मतलब खोलने का कोई तरीका पता हो या कोई ईजी वे पता हो तो गर्ल्स यू कैन डू कमेंट एंड मी मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगी कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे हो सकता है कहीं किसी जगह पे मैं गलत हूँ ये मेरे बंदे एक्सपेरिमेंट होती हैं कुछ मैं सीख रही हूँ कुछ आप मुझसे सीखें तो मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें लर्न करने को इंसान को मिल जाती है तो इसका जो पानी निकला था ना ये इसको मैंने छान लिया ऐसे और इसको मतलब मैं इसका जो पानी है ना वो ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं करती इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में या स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स में होते हैं ना डायरेक्ट यूज़ करते हैं एज ए टोनर या इस वे में ठीक है क्योंकि मुझे मुझे ना इसका पानी इतना अच्छा नहीं लगता वो थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा टेस्ट दे रहा होता है गदला गदला सा मुझे लगता है तो वो मैं नहीं पीती ना हमारे घर में से कोई पीता तो मैं स्किन केयर टोनर के लिए एज ए टोनर यूज़ करती हूँ तो ये मैंने इसकी ये जो ये जो इसकी गिरी है ना ये मुझे बहुत मज़े की लगती है इसमें बिल्कुल भी वो कोई साल्टी टेस्ट नहीं होता लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी मिल्की मिल्की सी एक स्लाइट सा टेस्ट देती है आई लव दैट टेस्ट और ये देखें जी मुझे जैसे भी मतलब मेरे जहन में आया इसको खोलना खोलना तो मैंने इसे खोला है ये देखिए वैसे इजी ही था इसको मतलब ओपन करना वो ना एक दफ़ा मुझे याद है कि हमारे गांव से ना एक अम्मा जी आई तो वो एक दफ़ा हमारे घर ये लेके आई थी तो उन्होंने ना काफ़ी मुश्किल से खोला इतना उन्होंने इसको पता नहीं पीटा और पता नहीं वो पानी निकल गया इसमें से उन्हें ये खोलना नहीं आया तब से मतलब मेरे जहन में बैठा हुआ है एक मिथ सी के मतलब ये इसको ओपन करना टू मच टफ़ है और क्योंकि इसकी कवरेज तो जो कोकोनट का जो पानी है ये कोकोनट का जो ऑयल होता है वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ना कोकोनट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लोग गो कोकोनट का पानी पीते हैं कोकोनट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके बाल आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और ब्लैक होते हैं और एक वो कोकोनट बहुत यूज़ करते हैं कोकोनट का ऑयल यूज़ करते हैं जैसे हम लोग सरसों का मोस्टली सर सरपे लगाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कोकोनट का आम यूज़ करते हैं इस तरह और पीते भी हैं कोकोनट के जो पानी है उसको और कड़ी पत्ता वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने मसाला जात में जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा इफ़ेक्टिव है बहुत अच्छा है तो ये बालों के लिए एक टोटका भी है कि किसी रिलेटिव ने ही मेरे ना न्यूज़पेपर्स में शायद पढ़ा था तो उन्होंने हमें बताया कि ना इस तरह एक इस तरह कोकोनट लेके उसका ये जो ऊपर वाला ओपन करके जो उसका जो मुंह है वो किसी तरीके से ओपन करना है उसके अंदर पानी के अंदर ही मेथी दाना आप लोगों ने डाल देना है दैन उसका जो मुँह है ना उसका बंद कर देना है ऊपर वाला हिस्सा और उसको कहीं दरख्त की जड़ में दबा दें और कुछ दिनों बाद यूज़ करें एज ऐसा मास्क आपके बाल बहुत अच्छे होंगे जी उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर किए थे शुआर काफ़ी मतलब शाम का टाइम ही हो गया था तो हम लोगों ने वॉक पे जाना था आज बनाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था तो आज मैं वॉक पे निकली तो आज मैं काफ़ी खुश भी थी पता नहीं कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा सेटिसफेक्शन एक अंदर से होती है तो आप लोग गाइज मस्ट ये किया करें कि जब भी इंसान को अंदरूनी खुशी हो सैट्सफेक्शन हो तो आप लोग ना अल्लाह तला की राह में ज़रूर खर्च किया करें मतलब छोटे छोटे नेक काम ऐसे करते रहा करें और कभी इंसान मुश्किल में हो बहुत मुश्किल में हो जब लगे कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है या कोई आपको मतलब इतना सपोर्ट नहीं कर रहा तो बंदा अल्लाह तला से अपने उस नेकी के बदले में अल्लाह तला से हेल्प मांग लेता है अल्लाह तला वैसे तो हर बंदे की हर वक्त ही हेल्प करते हैं अल्लाह तला की हेल्प के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है ना तो गैज़ मेरी अच्छी एक आदत अलहमदुल्ल अलहमदिल्ला एक अच्छी आदत है कि मैं मतलब कभी वॉक पे जाऊँ तो मेरे घर में भी जो एक्स्ट्रा दाल चावल होते हैं या रोटी के टुकड़े बचे होते हैं या कुछ इस तरह चीज़ें तो मुझे ये होता है जहाँ मैं कीड़े वगैरह देखती हूँ एक्स्ट्रा जगह देखती हूँ जहाँ साफ सुथरी जगह हो तो मैं यहाँ इन्हें डाल देती हूँ ताकि वो भी खा सकें और स्वाब मिले और कुछ लोगों को दिल्ली सेटिसफेक्शन नहीं होती वो तौबा करें और नमाज़ पढ़ा करें ठीक है और इस तरह के छोटे छोटे काम किया करें आपको ऑटोमेटिकली सैटिसफेक्शन होगी तो हमें सदका खैरात करते रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा तरीका है सदका खैरात करने से इससे हमारी मुश्किलें मुसीबतें याफ्तें जो भी हैं टल जाती हैं और कुछ अमल मुझे लगता है कि मतलब हमें ऐसे होने चाहिए जो हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान होने चाहिए ये देखिए कटोरी नज़र आई आपको अपने घरों के बाहर ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ रखें ताकि कोई भी परिंदे या कोई भी बाहर वाले जो जानवर हैं वो पानी पी सकें और ये इस तरह की जो दाना वगैरह उनका खा सकें करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर तो ये बहुत अच्छा एक शेर है यही बात है ना कि अल्लाह ताली के मखलूक के साथ रहम किया जाए उनका ख्याल किया जाए तो फिर अल्लाह ताली भी हम पे रहमते हैं और बरकतें नाजिल करता है और हमारी बहुत सी मुश्किलें मुसीबतें आफ़तें टल जाती हैं और सदका जो है ना सबसे अच्छा तरीका है आपका मुश्किलेंसीबतें नहोनियाँ जो है जो इंसान के बलएँ हैं वो टालने के लिए और घर की खैर वाफियत के लिए और आप लोग ना अपनी ज़िंदगी की कदर किया करें और अपनी नियमतों की कदर किया करें हम लोग बड़े अक्सर तंग आ जाते हैं एक ही माहौल से तो उन लोगों को देखें जो हॉस्पिटल्स में आखिरी स्टेज़स से लड़ रहे हैं जी मेरी वीडियो यहीं तक थी डू लाइक सब्सक्राइब नॉट तो द बेल आइकॉन। फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज।